हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन एस पोलर कोऑर्डिनेट, जेकोबियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट्स हमारे पास है। नंबर वन, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। सेकेंड, जेकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। थर्ड, यूज इन डबल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, यूज इन ट्रिपल इंटीग्रेशन। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन डबल इंटीग्रेशन। शॉर्ट एग्जांपल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से यूज करते हैं। यूज ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन डबल इंटीग्रेशन। यूज ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ट्रिपल इंटीग्रेशन। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिमिट ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लास्ट प्रॉब्लम्स ऑन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन कहते कैसे हैं। ट्रांसफॉर्म फंक्शन कहने से मतलब हमारे पास ये है, किसी भी एक फंक्शन को किसी भी प्लेन में किसी दूसरे प्लेन में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन कहलाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज किया जाता है वो है जेकोबियन फंक्शन। जेकोबियन फंक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन विच कन्वर्ट द फंक्शन इन टू वन प्लेन टू अनदर प्लेन। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कोई भी अगर एक्स वाई प्लेन में अगर हम कंसिडर करें कोई भी फंक्शन जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे प्लेन यू वी प्लेन में, तो उसको लिखने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स वाई टू पी ऑफ यू वी। और इसको हम डोनोट करते हैं जे ऑफ यू वी से और डिफाइन किया जाता है जे ऑफ यू वी इक्वल टू डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ यू वी विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल। इसको कॉल कॉस्ट ऑफ जेकोबी ने इंट्रोड्यूस किया था। यूज इन डबल इंटीग्रेशन, हम डबल इंटीग्रेशन में जेकोबी ट्रांसफॉर्म फंक्शन किस प्रकार से यूज करते हैं वो हम इसमें आपको बता रहे हैं। मान ले हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है f of x by r1 प्लेन में, इसको कन्वर्ट करते हैं हम f of u v प्लेन में जो कि हमारे पास दूसरा प्लेन कहलाएगा r2, तो इसको लिखने का तरीका होगा f of u v mod of u v mod of u du dv। फिर j of u v का मतलब निकाला जाएगा del of x y upon del of u v in determinant del x upon del u, del x upon del v and del y upon del u, del y upon del v। यूज इन ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन में किस प्रकार से यूज करेंगे। वॉल्यूम एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी टू एफ ऑफ यू बी डब्ल्यू मॉड ऑफ यू डी यू डी वी एंड डी वी। वेयर इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, डे ऑफ यू बी डब्ल्यू का मतलब होगा डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन ऑफ डेल ऑफ यू बी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, del y upon del u, del y upon del w, del y upon del w, del z upon del u, del z upon del v and del z upon del w। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं इनके बारे में आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक्स वाई प्लेन है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं r थीटा प्लेन के अंदर, तो r थीटा प्लेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस डायग्राम को हम ध्यान से समझें। मान लीजिए हमारे पास कोई भी हमने कोऑर्डिनेट लिया एक्स वाई जिसको हम r थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो O से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा वो R इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहलाएगा। हमने मान लेते हैं हमारे पास कोई थीटा एक एंगल है, तो ऐसी कंडीशन अगर थीटा का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो आर साइन थीटा हमारे पास कहलाएगा, यानी कि पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पी ऑफ आर थीटा। अगर हम x और y के स्क्वायर को ऐड करके अगर हम निकालें तो हमारे पास r की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और r sin थीटा में अगर हम r cos थीटा का डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x कहलाएगा। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट को हम डबल इंटीग्रल में कैसे यूज करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास x f of x y है, तो x की जगह हम पुट कर रहे हैं r cos थीटा, y की जगह पुट कर रहे हैं हम r sin थीटा और dx से dy हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मॉड ऑफ जे डी आर टी थीटा। हमारा सवाल ये उठता है कि मॉड ऑफ जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। देखें एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है तो डेल एक्स अपॉन डेल आर होगा कॉस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा होगा माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर होगा साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा होगा कॉस थीटा। अगर इसको हम जेकोबियन फंक्शन में रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। इसको हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू होगी, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मॉड जे की वैल्यू थी वो हमारे पास हो गया आर डी आर टी थीटा, यानी कि अगर हम कोई भी फंक्शन
जो कि हमें एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ, अगर हम उसे आर थीटा प्लेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक्स हमारा रिप्लेस होगा आर कॉस थीटा से, वाई रिप्लेस होगा आर साइन थीटा से, और डी एक्स डी वाई रिप्लेस होगा आर डी आर डी थीटा से। आइए इस पे बेस हम एक क्वेश्चन समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व क्वेश्चन में यूज करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक इंटीग्रल दिया है, जीरो से टू आर माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके हम लिमिट निकालेंगे कि लिमिट हमारे पास क्या थी। तो आप देखेंगे वाई की लिमिट हमें दी हुई है जीरो से अंडर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू जीरो दिया, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस है, वाई इक्वल टू अंडर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, दोनों तरफ अगर हम वन को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। इसका मतलब ये निकाला जाएगा ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर वन जीरो है और रेडियस वन है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स की लिमिट जीरो से तो जीरो है यानी कि वाई एक्सिस है, अपर लिमिट टू यानी कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पोलर कोऑर्डिनेट को अगर हम यूज करते हैं तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, सो दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर एन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब जो हमारे पास लिमिट्स मिली हैं इन लिमिट की हेल्प से हमारा डायग्राम किस प्रकार से बनेगा उसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस हमारे पास है वन और सेंटर हमारे पास है वन जीरो, डायमीटर हमारे पास कितना आएगा टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड दिस इज एक्स इक्वल टू टू। अब लिमिट ऑफ लिमिट हम पोलर कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में किस प्रकार से निकलेगी, तो देखिए हमारे पास था क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर, हमने आर स्क्वायर रख दिया, एक्स की वैल्यू को टू आर कॉस थीटा, आर कॉमन निकालेंगे तो आर टू आर माइनस थीटा, तो आर की वैल्यू मिलेगी हमें जीरो और आर इक्वल टू कॉस थीटा यानी कि आर की लिमिट हमारे पास होगी जीरो से टू कॉस थीटा। एट वाई इक्वल टू जीरो पर थीटा हमें मिलेगा टेन इनवर्स जीरो अपॉन एक्स यानी कि जीरो, इसी प्रकार एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें थीटा मिलेगा वाई अपॉन जीरो यानी कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी यानी कि पाई बाई टू। दस द लिमिट्स आर, हमारे पास लिमिट होगी आर के जीरो से टू कॉस थीटा, थीटा की लिमिट होगी जीरो से पाई बाई टू, और डी एक्स डी वाई हमारे पास हो गए आर डी आर डी थीटा। अब हमारे पास ये हमारे पास कार्टिजन फॉर्म में हमारे पास डायग्राम था, इसको आपको पोलर कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो हमारे पास डायग्राम इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थीटा की लिमिट है एक्स एक्स पे जीरो और वाई एक्स एक्स पे जीरो से पाई बाई टू, और आर की लिमिट है जीरो से टू कॉस थीटा। अब इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास जीरो से टू अंडर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई जीरो से पाई बाय टू जीरो से टू कॉस थीटा, और एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हुई आर आर डी आर डी थीटा। आर से आर हमारा कैंसिल हुआ क्योंकि पहले वेरिएबल हमें लिमिट हमें थीटा में दिखाई दे रही है, हम पहले इसको आर के इसमें करेंगे तो आर का इंटीग्रल होगा आर स्क्वायर बाय टू, वैल्यू पुट अप करें तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया टू बार, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस की थीटा हो गया और साइन की पावर हो गई जीरो। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं गामा इंटीग्रल का फॉर्मूला जो कि होता है साइन टू दी पावर एन कॉस टू दी पावर एन, तो रूल लिखने का तरीका होता है एम प्लस टू और थ्री प्लस वन अपॉन टू यानी कि टू गामा जीरो प्लस थ्री बाई टू, गामा वन बाय टू ये हो गया हमारे पास गामा टू, नीचे हो गया गामा फाइव बाय टू, टू से टू हमारा कैंसिलेशन में आ गया है, गामा वन की गामा हाफ की होती रूट पाई, गामा टू की होती वन डॉट वन, गामा फाइव बाय टू को लिख सकते हैं थ्री बाय टू इंटू वन बाय टू रूट पाई, तो हमारे पास रूट पाई से रूट पाई कैंसिल होता है फोर बाय। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट पर, बस हमारा फर्क इतना ही हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास हाइट भी मिल जाती है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमने कोई भी एक आर थीटा प्लेन लिया, थीटा की जगह हमने फाइव प्लेन ले रखा है यहाँ पर, तो हमारे पास एक्स वाई जेड को हम कन्वर्ट करेंगे आर फाई और जेड के, यानी कि हाइट हमारे पास जो है वो जेड को रिप्रेजेंट कर रही है, आर हमारे पास पोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई हमारे पास पोलर एंगल कहलाएगा। हमने एक अपना सिलेंडर लिया, सिलेंडर पर हमने हाइट अपने कंसिडर करी जो कि हमारे पास जेड एक्सिस पर है, और हमारा एंगल है फाई जो कि हमारे पास बेस और हाइट दोनों पर हमारे पास सेम रहेगा।
अब हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू हमारे पास हो गया आर कॉस फाई, y इक्वल टू हो गया आर साइन फाई, और z हमारे पास z के इक्वल है। रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर बात करते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन फाई की वैल्यू होगी वाई अपॉन एक्स। जेड की वैल्यू मेरे पास हो गई हाइट यानी कि जेड। अब इसे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किस प्रकार से यूज करते हैं डबल इंटीग्रल में, वो आपको हम बता रहे हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई आर कॉस फाइव आर साइन फाइव मॉड जे डी आर डी फाइव। एक्स की वैल्यू हुई आर कॉस फाइव डेल एक्स अपॉन डेल आर हो गया, कॉस फाइव डेल एक्स अपॉन डेल फाइव हो गया माइनस आर साइन फाइव। y इक्वल टू आर साइन फाइव इन डेल वाई अपॉन डेल आर हो गया साइन फाइव, डेल वाई अपॉन डेल फाइव हो गया आर कॉस। जे ऑफ यू बी की वैल्यू डेल ऑफ एक्स वाई डेल आर डेल फाइव जिसको हमने निकाला था हमको आर के इक्वल मिलेगा। सेम हम उसी प्रकार से यूज कर रहे हैं जैसे कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट में यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ट्रिपल इंटीग्रेशन। एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई तो हमारे पास होगा आर कॉस फाइव आर साइन फाइव और जेड मॉड जे डी आर डी फाइव और डी जेड। अब देखेंगे कि मॉड जे की वैल्यू मेरे पास इस समय कितनी आ रही है। एक्स इक्वल टू आर कॉस फाइव तो डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू कॉस फाइव, डेल एक्स अपॉन डेल फाइव की वैल्यू आर साइन फाइव और डेल एक्स अपॉन डेल जेड जीरो। वाई इक्वल टू आर साइन फाइव यानी कि डेल वाई अपॉन डेल आर इक्वल टू साइन फाइव, डेल वाई अपॉन डेल फाइव इक्वल टू आर कॉस फाइव और डेल वाई अपॉन डेल जेड हमारे पास होगा जीरो। जेड इक्वल टू जेड जेड अपॉन आर हो गया जीरो, डेल जेड अपॉन डेल फाइव हो गया जीरो, डेल जेड अपॉन डेल जेड हो गया वन। इस पूरे डिटरमिनेंट को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिलती है आर यानी कि हमें मॉड जे की वैल्यू मिलेगी आर। यानी कि जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हमारे पास होगा आर कॉस फाइव आर साइन फाइव जेड इंटू आर डी आर डी फाइव डी जेड। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू होगी। देखें इस पे बेस हम एक प्रॉब्लम समझते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री जेड एंड द प्लेन जेड इक्वल टू थ्री। यूज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बात करते हैं तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू जेड और एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। नाउ द इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड हमारे पास दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री जेड यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर यानी कि थ्री जेड मिलेगा। ड्रॉ द एलिमेंट्री वॉल्यूम ए बी, ड्रॉ द एलिमेंट्री वॉल्यूम ए बी पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड बाउंडेड रीजन विच इज स्टार्ट फ्रॉम द पैराबोलाइड आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री जेड एंड टर्मिनेट टू द प्लेन जेड इक्वल टू थ्री। इसको हम आगे आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे आगे चल के। जेड की लिमिट हमारे पास होगी जेड इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन थ्री से जेड इक्वल टू थ्री, क्योंकि जेड की अपर लिमिट हमारे पास थ्री रहेगी। प्रोजेक्शन लेंगे हम थीटा का जो कि आर थीटा प्लेन में होगा जिसमें हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू होगा नाइन। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू थ्री तो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा नाइन, तो आर की वैल्यू हमें मिलेगी थ्री और यही हमारे पास सर्कल का रेडियस भी हमारे पास है। ड्रॉ द एलिमेंट्री रेडियस ओ ए डैश इन द रीजन सर्कल आर इक्वल टू थीटा इन एक्स वाई प्लेन एंड विच स्टार्ट फ्रॉम द रीजन टर्मिनेट टू द ऑन द प्लेन आर इक्वल टू। आर के लिमिट हमारे पास होगी आर स्क्वायर अपॉन थ्री से लेके सॉरी जेड के लिमिट होगी आर स्क्वायर अपॉन थ्री से जेड इक्वल टू थ्री, आर के लिमिट होगी जीरो से थ्री और थीटा के लिमिट होगी जीरो से टू पाई। क्यों? थीटा के लिमिट जीरो से टू पाई क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्कल है जो कि जीरो से टू पाई मूव करेगा और डी एक्स डी वाई डी जेड के लिए आर डी आर डी थीटा डी जेड। तो देखिए हमने ये सिलेंडर बनाया एक बनाया हुआ है हमारा पैराबोलाइड है जो कि एक्स वाई प्लेन पे इसको जेड प्लेन पे कट कर रहा है जेड इक्वल टू थ्री पर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री जेड, ये हो गया जेड इक्वल टू थ्री और ये हमारे पास हमने एक स्ट्रिप हमने ली हुई है। तो हम जब इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। ठीक है चलिए अब हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू का थीटा इक्वल टू जीरो से टू पाई, आर इक्वल टू जीरो से थ्री और जेड इक्वल टू आर स्क्वायर बाय थ्री से और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा डी जेड। तो ऑब्वियसली हमारे पास पहले इसको हम करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड के लिए करेंगे तो हमारे पास कितना होगा थ्री माइनस आर जेड लिमिट पुट करेंगे थ्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन थ्री टी आर डी थीटा, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमारे पास थ्री आर क्यूब आर टू दी पावर फाइव अपॉन थ्री। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना इसकी वैल्यू कितनी होगी आर क्यूब का हो गया आर टू दी पावर फोर अपॉन थ्री, आर टू दी पावर फाइव का हो गया आर टू दी पावर सिक्स अपॉन एटीन। वैल्यू पुट करिए हमारे पास होगा टू पाई ई टू थ्री टू दी पावर फाइव कॉमन निकलेगा नाइन माइनस सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स मिलेगा। ओवरऑल हमारा आंसर आ गया एटी वन पाई अपॉन टू जो बड़ी आसानी से हमने सॉल्व
कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन 3D पॉइंट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम जब 3D में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास डायग्राम हमारे पास जो होगा थ्री डायमेंशन स्पेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला अ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेंटर्ड एट द ओरिजिन और नेक्स्ट बात करेंगे रेस एमिनेटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारे पास एक्स वाई जेड जो कन्वर्ट होंगे वो आर फाई और थीटा में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारे पास फिगर है, एक्स वाई जेड हमने कोई भी एक पॉइंट लिया ठीक है और इसमें हमने ये अपना स्फीयर ड्रॉ किया। हमने यहाँ पर एक नए हॉरिजॉन्टल स्फीयर भी सर्कल लिया जिसका रेडियस हमारे पास आर। नेक्स्ट अब हमारे पास हमने एक लेटीट्यूड हमने ड्रॉ किया हमारे पास है सर्कल के फॉर्म में, जहां पर हमारे पास पोलर एंगल हमें मिलेगा थीटा, जिसकी वैल्यू होगी ओब्वियसली हमारे पास जीरो से पाई ही हमें मिलेगी। अब आपको सवाल ये होगा कि जीरो से पाई क्यों मिलेगी, एक डायग्राम की एक वीडियो के थ्रू आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो हमारे पास लिमिट जीरो से पाई क्यों हमें मिलती है। हमने दूसरा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने ऊपर कंसिडर किया, ओब्वियसली इसका रेडियस भी हमारे पास वही होगा जो कि हमारे पास सर्कल का है एक्स वाई प्लेन पर। अब हमने दूसरा हमने लिया यहाँ पर टू वर्सेस द ओरिजिन, आप देख रहे हैं कि लाइन हमारे पास ड्रॉ हो रही है, दिस इज एंगल इज कॉल्ड द पाई और इसकी लिमिट हमारे पास जो भी वो जीरो से टू पाई हमारे पास कहलाएगी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर थीटा फाइव में हमने लिया, तो आर हमारा कहलाता है रेडियल डिस्टेंस, फाइव हमारा कहलाता है एज्यूमिथ एंगल और थीटा हमारा कहलाता है पोलर एंगल ठीक। अब हम देखिए यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ जिसको हमने बोला रो, ऑब्वियसली ये हमने एक्स वाई प्लेन पे लिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है। अब हमने ये थीटा यहाँ पर कंसिडर किया तो थीटा अगर हमने लिया हुआ तो थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हमारे पास बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारे पास हो गया रो अपॉन आर, यानी कि रो की वैल्यू होगी आर साइन थीटा। इसी पे करेंगे हम यहाँ पर कॉस थीटा लेते हैं तो वो होगा हमारे पास जेड अपॉन आर, तो जेड इक्वल टू हो गया आर कॉस थीटा। अगर इसमें हम टेन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि रो अपॉन जेड, यानी कि रो की वैल्यू होगी जेड टेन थीटा। नेक्स्ट हमारा इसके बाद है ये ओवरऑल हमारे पास डायग्राम हो गया हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ओके। अब हम ध्यान से देखें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रो हो गया हमारे पास इतना, अब यहाँ पर हमारे पास एंगल फाई है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा एक्स इक्वल टू आर रो कॉस फाई और वर्टिकल कंपोनेंट होगा वाई इक्वल टू रो साइन फाई। एक्स इक्वल टू और रो कॉस फाई हमारे पास रो की वैल्यू पीछे हमारे पास क्या थी आर साइन थीटा, इसी प्रकार वाई निकालेंगे तो वाई इक्वल टू रो साइन फाई तो वाई की वैल्यू होगी आर साइन थीटा साइन फाई। जेड इक्वल टू होगा आर कॉस थीटा और ओवरऑल हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास इस फिल्म में कन्वर्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे रो इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टेन फाई की वैल्यू होगी वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। अब लिमिट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस प्रकार से निकालते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी एक स्फीयर कंसिडर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर ओरिजिन है और हमारा रेडियस है ए। हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं आर फाई और थीटा की लिमिट हमारे पास क्या होगी। मान लीजिए अगर पहला पॉइंट हमारे पास है पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ ए स्फीयर तो डायग्राम हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हमको। तो जब पॉजिटिव ऑक्टेंट की जब बात करेंगे इसका मतलब ये निकलता है कि हमें एक्स वाई और जेड की लोअर लिमिट हमारे पास जीरो होगी और अपर लिमिट हमारे पास वो सर्कल हमें स्फीयर देगा। तो आर की लोअर लिमिट होगा जीरो क्योंकि रेडियस हमने लिया तो ए हो गए, थीटा की लिमिट होगी जीरो से पाई बाय टू और फाई की लिमिट होगी जीरो से पाई बाय टू। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं जो कि हमारे पास अब ऑफ द एक्स वाई प्लेन कहलाता है जेड इक्वल टू जेड इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जेड की लोअर लिमिट हमारे पास जो कि जीरो से स्टार्ट होगी और अपर लिमिट हमारे पास सेम वही कहलाएगी। तो ये हमारे पास हेमिस्फीयर है तो आर की लिमिट होगी जीरो से ए, थीटा की होगी जीरो से पाई बाय टू और थीटा की फाई की लिमिट होगी जीरो से टू पाई क्योंकि हेमिस्फीयर एक्स वाई प्लेन पे कंप्लीट बनेगा। यूज ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इन ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल में किस प्रकार से यूज करते हैं, एक्स की वैल्यू होगी आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू होगी आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की वैल्यू होगी कॉस आर कॉस थीटा मॉड जे हो गया हमारे पास। हम बात करेंगे या मॉड जे हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो एक्स हमारे पास इतना है तो डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल फाई डेल एक्स अपॉन जेड इधर निकालेंगे, वाई इक्वल टू इतना है तो डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल फाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई अपॉन डेल थीटा निकालेंगे और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा है तो इतना। अब इसको हम जेकोबिन में रखेंगे और इस पूरे डिटरमिनेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आर स्क्वायर साइन थीटा मिलता है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या दिखा कि डी एक्स डी वाई डी जेड जो हमारे पास होगा वो आर स्क्वायर साइन थीटा
dr d theta d phi में कन्वर्ट होगा। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम स्फेरिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट दिया, प्रॉब्लम दिया 0 से 1, 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 1 dx dy dz अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पहले हम इसकी लिमिट देखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्फेरिक कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले लिमिट थी हमें x के 0 से 1, दूसरी y की लिमिट थी हमें 0 से √1 माइनस स्क्वायर, यानी कि ये हमको देगा सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, और तीसरा दिया हमें z इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और z इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास ये शो करेगा एक सिलेंडर। क्लियरली द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द कोन x z स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ द प्लेन एज शोन इन द फिगर। अब फिगर आप इसका देखें किस प्रकार से फिगर हमने इसका बनाया हुआ है। tan phi हो गया y अपॉन x, tan theta इक्वल टू होगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन z, और हमारे पास वैल्यू होगी इस प्रकार से। अब z इक्वल टू हमारे पास कितना था, r cos theta, तो z की वैल्यू क्या थी कि 1, यानी कि हमारे पास r की वैल्यू होगी sec theta। तो r की लिमिट हमें मिल गया 0 से sec theta, tan theta इक्वल टू था √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू थी z स्क्वायर, यानी कि हमें मिल गया theta इक्वल टू पाई बाय 4। y इक्वल टू 0 था तो 0 मिल गया हमें, x इक्वल टू 0 था पाई बाय 2, तो ओवरऑल हमारे पास जो लिमिट थी स्फीयर की क्या मिल गई, लिमिट आर की हो गई 0 से sec theta, theta की हो गई 0 से पाई बाय 4, और phi की लिमिट हो गई 0 से पाई बाय 2। तो ये हमारे पास डायग्राम है जो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें इस डायग्राम को, ये हमारे पास बेस कर्व है जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जो हमारे पास हाइट है वो एक्स जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। आइए प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे पास कार्टिजन में ये था, कन्वर्ट होकर हमारे पोलर में कन्वर्ट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रह गया, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो आर से आर हमारा कैंसिल हुआ, तो हमारे पास पहले हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा आर के लिए। तो आर के लिए हमने करा, तो आर का हो गया इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट पुट करी हमने तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास होगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा इक्वल टू दिस मच, ओके। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया हमारे पास, तो हमारे पास सेक थीटा टेन थीटा का हमारे पास जो इंटीग्रल मिला वो हमारे पास मिला दिस इज सेक, ओके। तो ओवरऑल के हमारे पास लिमिट रखी तो sec पाई बाय 4 माइनस 1 हो गया, sec पाई बाय 4 होता है रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, तो ओवरऑल हमारा आंसर मिलेगा पाई बाय 4 रूट 2 माइनस 3। ये हमारा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर जरूर करें मेरे पास। थैंक्स।